हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका उस चैनल में जहां आपको मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। और मैं शुभांगी इसी के साथ अब शुरू करती हूं आज की 10 बड़ी खबरों का काउंटडाउन। नंबर 1, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान को लेकर कई खबरें सोशल मीडिया पर बस बना रही हैं। खबरों के मुताबिक सोमवार से दीपिका पादुकोण ने भी इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। और एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म से जुड़ी करीबी सोर्सेस ने बताया है कि पठान में दीपिका पादुकोण एक एजेंट का रोल निभाती नजर आएंगी। सोर्सेस ने बताया है ये फिल्म एजेंट्स की एक दिलचस्प दुनिया है और इसमें दीपिका को कई सारे स्टंट्स भी करने होंगे। टाइटल भले ही शाहरुख पर आधारित है लेकिन दीपिका का किरदार भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये रोल कुछ कुछ उसी तरह का होगा जैसा सलमान की फिल्म फ्रेंचाइज टाइगर में कटरीना का है। नंबर 2, खबर है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर से बातचीत की है। उन्हें लगता है कि इस फिल्म का क्रेज दर्शकों के बीच पहले से ही बना हुआ है और अगर ये फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होती है तो प्रीमियर के दिन ये फिल्म कई रिकॉर्ड्स कायम करने में कामयाब होगी। हालांकि सोर्सेस ने बताया कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने इस ऑफर में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उनका मानना है कि फिल्म में धासु VFX का इस्तेमाल किया गया है और इसे देखने का मजा लोगों को थिएटर्स में ही आएगा। नंबर 3, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म वॉर 2 में आदित्य चोपड़ा सलमान खान और शाहरुख खान की एंट्री कराना चाहते हैं जिसके लिए वो अभी से ही प्लानिंग कर रहे हैं। शाहरुख खान ने कुछ दिनों पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म पठान की शूटिंग शुरू की है जिसे यशराज बैनर प्रोड्यूस कर रहा है। फिल्म पठान का डायरेक्शन सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं जिन्होंने बैंग बैंग और वॉर जैसी सक्सेसफुल एक्शन थ्रिलर्स दी हैं। और अब ताजा खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि यशराज बैनर वॉर 2 की प्लानिंग कर रहा है और इसमें वो पठान यानी शाहरुख खान और टाइगर यानी सलमान खान की भी एंट्री करवाएगा। यशराज बैनर के द्वारा क्रिएट किए गए ये तीनों किरदार जासूस के हैं जिस कारण आदित्य ने इन तीनों का क्रॉसओवर कराकर बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की सोची है। नंबर 4, जाने माने बॉलीवुड फिल्म मेकर मधुर भंडारकर ने करण जौहर पर उनके प्रोजेक्ट के लिए टाइटल चोरी करने का आरोप लगाया है। दरअसल पहले मधु भंडारकर ने ट्विटर के जरिए करण जौहर से अपनी आने वाली वेब सीरीज द फैबुलस लाइफ्स ऑफ बॉलीवुड वाइफ्स का नाम बदलने की अपील की थी और अब एक बार फिर मधु भंडारकर ने करण के खिलाफ मोर्चा खोला है। मधु भंडारकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिल्म गिल्ट ऑफ इंडिया को लिखे IMPPA के लेटर को शेयर करते हुए करण पर टाइटल चोरी का आरोप लगाया। मधुर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन के फिल्म गिल्ड ऑफ इंडिया को लिखे गए लेटर पर मिले रिस्पांस को शेयर करते हुए करण जौहर से सवाल पूछे। मधुर ने ट्वीट किया, जब IMPPA ने फिल्म गिल्ड ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या धर्मा मूवीज को बॉलीवुड वाइफ्स टाइटल दिया गया था, इस पर गिल्ड ने जवाब दिया कि उन्होंने इसे पहले ही खारिज कर दिया था। ये दर्शाता है कि धर्मा प्रोडक्शन ने हमारे टाइटल बॉलीवुड वाइफ्स को तोड़ मरोड़ कर मिसयूज किया है। आपको बता दें इससे पहले भी मधुर भंडारकर ने ट्वीट कर करण जौहर और अपूर्व मेहता पर टाइटल चोरी के एलिगेशंस लगाए थे। नंबर 5, डेली गैंग रेप पर आधारित वेब सीरीज डेली क्राइम्स को बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब मिला है। जी हां, साल 2012 में दिल्ली में हुए विभत्स गैंग रेप और हत्याकांड मामले निर्भया कांड पर बनी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम्स को प्रतिष्ठित एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोरोना महामारी के कारण इस बार 48 इंटरनेशनल एमी अवार्ड ऑनलाइन होस्ट किए गए और इस वर्चुअल इवेंट में डेली क्राइम्स को बेस्ट ड्रामा सीरीज में विनर घोषित किया गया है। दिल्ली क्राइम्स की टक्कर UK की वेब सीरीज क्रिमिनल UK, अर्जेंटीना के टीवी शो अल जर्दिन दे ब्रोंसे और जर्मनी के टीवी शो चैरिटी सीजन 2 से थी। आपको बता दें कि सीरीज में शेफाली शाह, आदिल हुसैन, रसिका दुग्गल, राजेश तैलंग और सिद्धार्थ भारद्वाज जैसे स्टार्स हैं और इस सीरीज को रिची मेहता ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6, अक्षय कुमार की फिल्म लक्ष्मी और दुर्गामती की कंट्रोवर्सी के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अक्षय की फिल्म दुर्गामती के करीबी सोर्सेस ने बताया कि लक्ष्मी बॉम्ब के टाइटल विवाद के बाद अक्षय कुमार ने दुर्गामती के टाइटल को बदलने का डिसीजन लिया और अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद फिल्म इंडस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि अपने फिल्म कैरेक्टर्स और फिल्म के टाइटल्स को रिलीजियस फिगर्स पर नहीं रखेंगे। नंबर 7, खराब सेहत का हाल बताते हुए एक चैट शो में इमोशनल हुए बाहुबली स्टार राणा डग्गुबाती। जी हां, फिल्म बाहुबली में विलन का किरदार निभाने वाले एक्टर राणा डग्गुबाती ने अपनी एक्टिंग के दम पर खूब वाहवाही बटोरी है और राणा डग्गुबाती हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। हालांकि बीता साल उनके लिए बेहद मुश्किलों से भरा था। उस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी जिसमें वो बेहद दुबले पतले नजर आ रहे थे और कयास लगाए जा रहे थे कि राणा बीमार चल रहे हैं।
लेकिन अब राणा ने एक चैट शो में अपनी बिगड़ती सेहत को लेकर खुलासा किया है। राणा डागोबाती ने साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस समांथा किनैनी के चैट शो सैम जैम में पहुंचे और इस दौरान अपनी सेहत के बारे में बताते हुए राणा इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा, जिंदगी में जब तेजी से आगे बढ़ रहा था तभी अचानक से ब्रेक लग गया। जिंदगी फास्ट फॉरवर्ड मोड में चल रही थी कि अचानक पॉज बटन आ जाता है। मुझे ब्लड प्रेशर की समस्या थी और हार्ट के चारों ओर कैल्सिफिकेशन होने की वजह से काफी दिक्कत हो गई, किडनी फेल हो गई। स्थिति में 70% स्ट्रोक का खतरा था, वहीं 30% जान का खतरा था। नंबर 8, कंगना रनौत की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट पर आज सुनवाई होगी। कंगना और उनकी बहन रंगोली ने मुंबई पुलिस की एफआईआर को रद्द करने की अपील की है। एफआईआर के मुताबिक दोनों बहनों पर धर्म के आधार पर लोगों को भड़काने की कोशिश करने और राजद्रोह के आरोप हैं। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी के मुताबिक कंगना और रंगोली ने हाईकोर्ट में अपील भी की है कि पूछताछ के लिए पुलिस के समन पर स्टे दिया जाए और पुलिस को निर्देश दिए जाएं कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं करे। पुलिस ने पिछले हफ्ते कंगना और रंगोली को तीसरी बार समन जारी कर 23 और 24 नवंबर को पेश होने के लिए कहा था। हालांकि वो सोमवार को भी पेश नहीं हुई बल्कि हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की अर्जी लगा दी। नंबर 9, राधे और मोस्ट वांटेड भाई की ओटीटी रिलीज पर डायरेक्टर प्रभु देवा ने तोड़ी अपनी चुप्पी। जी हां, अब तक चर्चाएं थी कि सलमान खान की फिल्म राधे को मेकर्स ओटीटी पर रिलीज करने की प्लानिंग में है। इतना ही नहीं, सलमान खान को राधे को ओटीटी पर रिलीज करने का 250 करोड़ का ऑफर भी मिला था, लेकिन सलमान ने सभी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया। और अब राधे की रिलीज पर प्रभु देवा ने भी ये बयान दिया कि सलमान की फिल्में कभी ओटीटी पर रिलीज नहीं हुई, लिहाजा राधे भी ओटीटी पर रिलीज नहीं की जाएगी। एंड नंबर 10, विद्युत जामवाल की फिल्म खुदा हाफिज 2 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबरें हैं कि खुदा हाफिज की कामयाबी के बाद विद्युत अब इसके सीक्वल की तैयारी में है और आपको बता दें कि फिल्म के पार्ट 2 का ऐलान भी हो चुका है और ताजा रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2021 से शुरू हो जाएगी और सीक्वल की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां पार्ट 1 का एंड हुआ था, यानी समीर और नरगिस की आगे की जर्नी खुदा हाफिज 2 में दिखाई जाएगी। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।